सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मान्यो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी दे अध्याय 15वें विच अज आपां गुरु जी द्वारा ठगां नूं तारन दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। प्यारी साह संगत जी, पिछले प्रसंग विच आपां सरवण कीता सी कि सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव जी ने एक व्यापारी नूं निहाल कीता सी। उसनों निहाल करके गुरु जी उत्थों अगे चल पए। फिर एक बहुत वड्डी उजाड़ आई, कईआं कोहां तक कोई पिंड ना आया, ना मनुख दा शरीर ही किते दिखाई दिंदा सी। भाई मरदाना जी वेख के बोले, हे प्रभु जी, यह जंगल बहुत वड्डा है, जिसनों वेख के बहुत डर लगता है, कोई मनुखी स्वरूप भी इत्थे नज़र नहीं आउंदा। यह सुन के किरपा निधान बोले, इसनों महान उजाड़ ना समझो, इत्थे एक वड्डा सुंदर नगर वसदा है, जिथे सतनाम का सिमरन हुंदा है, जिथे परमेश्वर चित ना आवे वह वसदी बस्ती भी सदा ही जंगल दिसदी है। उत्थे कदी भी खुशी नहीं हुंदी, जिथे कदी प्रभु का गुण नहीं गाया जाता। जद उजाड़ विचों निकल के बाहर आए तद एक नगर उन्होंने वेख्या। उत्थे सारे ठगां दे घर सन, मनुखां नूं मार दिंदे सन ते धन खोह लैंदे सन। उन्हां नूं चंगी मत देण खातर किरपा दे घर गुरु जी उस नगर दे अंदर चले गए। जगत दे स्वामी भाव गुरु जी ने एक खेड खेडी, ठगां दी माड़ी मत दूर करन वास्ते प्रेम कीता। 16 वरियां दी भाई बाला जी दी उम्र कर दित्ती, बड़े सुंदर गहने अते जरी दे कपड़े पहना दित्ते, आप सोने दे कड़े पहन ले अते सफेद लिबास पहन लिया। भाई मरदाना जी नूं निजी डूम बना लिया, मानो मुकलावा लैके आए हन। एक ठग दे घर अंदर जाके पापां दे नाश करता जा बैठे। एक ठग वेख के बहुत खुश होया, उसने चंगी तरह गुरु जी का सन्मान किया। ठग बड़े सत्कार नाल कहण लगा, आओ जी साढ़े घर विच ठहरो, असी बड़े चंगे ढंग नाल तुहाडा थकेवा दूर करांगे, जिस तरह भी कहोगे तुहाडी सेवा करांगे, पैर दबा के तुहाडे सफर का थकेवा दूर करांगे। गुरु जी उस ठग दे घर ठहर गए। ठगां दा एक टोला इकट्ठा होकर उत्थे आया। जिहड़ा घर का मालक सी उसने तुरंत सारे नौकरां चाकरां नूं बुला लिया। वह आपस विच कहण लगे, इस दे मत्थे दी जोत बहुत वड्डी है, इस दे पास बहुत धन है, यह कित्थे लै चलिया है, असी सब कुछ खो लवांगे, पर इसनों अखां तों ओले ना होण दिओ, सवेर हुंदिआं ही असी सारा धन वंड लवांगे। अपने घर बैठे इस तरह कह रहे सन कि दिन तो रात हो गई। भोजन करके सारे गहरी नींद सौ गए, किसी नूं भी जागण की सोझी ना रही, प्रभु दे प्रेरे नींद दे वस हो गए। सुत्या ही सारी रात बीत गई, जद सवेर हो गई तद भी कोई जागया ना। सारे इस तरह पए सन जिमें बेहोश हो गए होण। सूरज चढ़िया तो श्री गुरु नानक देव जी उन्हां सारयां नूं उत्थे छड्ड के चले गए। पिछों सारे जाग पए अते सारे ठग मिल के एक थां इकट्ठे होए अते घर दे मालक नूं कहण लगे, ओ धन विखा जिहड़ा तू लिया है, तेरे पासों अपना हिस्सा मंगदे हाँ। उसने हैरान हो के कहा, मैनू रात कोई सुध नहीं रही है। वह उसका कहा मानते नहीं सन, झगड़न लगे, एक दूसरे नूं गालां दे के लड़ाई करन लगे अते कहण लगे, तेरे हाथ बहुत धन लगा है, लालच करके तू छुपा लिया है, किस तरह भी कर असी छड़ांगे नहीं, तू सदा ही साढ़े पासों लैंदा है, हुण क्यों चुप करके बैठा है, सारा धन अपने घर विचों कढ के सानू विखा। मालक ने अपने निजी फकीरां दीआं सोहां चुकियां, तद उन्हां ने सच समझिया। वह तुरंत उठ के किहड़े राह पै गए। इस तरह मिल के सारयां ने विचार कीती। पिंड दे चार चुफेरे वेख के जद पैरां दा खोज वेख्या तद उन्हां विच जिहड़े चार जवान मुंडे सन उन्होंने कहा, असी हुणे ही उन्होंने जाके फड़ांगे। पंज कोहां ते जाके मिल पए तो एक ठग ने उच्ची दित्ती आवाज़ मारी, हुण जाना कित्थे है, खड़े हो जाओ, निश्चित ही तुसी मेरा घर चुरा के लियाए हो, तुहानू मार देंगे,
ज्यौदे नहीं छड़ांगे, वह सारा धन दिओ जिहड़ा चुराया है। जद गुरू जी ने कन्ना नाल आवाज़ सुनी उत्थे ही खड़े हो गए, एक पैर भी अगे ना वधाया। गुरु जी ने पुछया, तुसी की कहिंदे हो? एक ठग ने आके कहा, वह सारा धन दे दिओ जिन्ना भी तुहाडे पास है, नहीं तो तुहानू इत्थे ही मार देंगे। छल करके रात तां बच गए सी, हुण तुहानू साबत छड के नहीं जावांगे। साड़ी सदा ही ये रीति रही है, पहला मार के पिछों ही कोई वस्त लेंदे हाँ। गुरु जी ने कहा, जे तुसी सानू मारन आए हो साड़ी एक गल सुनो, फिर जो तुहाडे मन आवो वह करो। साडा शरीर हिंदुआं दा समझो, जे तुसी सानू इस तरह मारना है तां मार के साडे मुरदा शरीर छड के ना चले जाना। अग लै के साडे शरीरां नू अग्नि भेट करो, फिर धन लै के अपने घरां नू चले जाना। हुण असी तुहाथों भज नहीं सकदे हाँ, तुसी हथियार लै के सानू इत्थे आ के मिले हो। गुरु जी दे दर्शन करके जद कन्ना नाल उहनां दे बचन भी सुने तां उहनां दे मना विच कुछ दया उपजी। कहण लगे, इहनां दे बचन मन लो, तुहाडे शरीर दा दाह संस्कार किस तरह किया जाए सानू कितें नेड़े तेड़े अग विखाई नहीं दिंदी। जे तुहानू जिउंदे छड देंगे तां तुसी किसे थां जा के पुकार करोगे। ये सुन के गुरु जी ने कहा, इस पासे वेखो, नेड़े ही धूआं तुख रहा है, साडे जिउंदियां ही अग्नि लियाओ, मारन दा बाद विच करम करो। दो जाने अग लैण वास्ते जाओ अते दो जाने सुचेत होकर बैठ जाओ। गुरु जी ने उन्होंने सुख देण कारण इस प्रकार बचन किते। गुरु जी का कहा मन के दो जाने अग लभण चले गए अते दो आदमी हथियार नंगे करके बैठ गए। वह सुचेत होकर नेड़े बैठ गए। दोवें ठग अग लैण वास्ते राहे राह चले जा रहे सन। वेखते हैं कि एक मर्द नूं कोई मार रहा है, फिर बन के उसनूं अगे ला लिया अते मार मार के बहुत दुखी किया। उन्हां तों लुक के वह अगे लंघ गए। जिस पासे वल गुरु जी ने इशारा किया सी उत्थे जा के उन्होंने एक चिखा बलदी वेखी, अपने हत्थां नाल अग कढ लई ते पिछां हट के उस पासे चले गए जिथे गुरु जी बैठे सन। बाद विच आ के दोहां ने वेख्या कि जिस आदमी नूं मार पै रही सी वह पालकी विच चढ़ के जा रहा सी। गवैये अगे अगे गाउंदे जा रहे सन। ये वेख के वह बहुत हैरान होए, पुछे बगैर जाणा नहीं सी जा सकदा। पहलां इस नूं बहुत दुख दे रहे सन, हुण बड़े आनंद विच जा रहा सी। ये विचार के उस दे पास आए, कहण लगे, यह पालकी विच कौन जा रहा है? पहलां इस नूं बहुत सज़ा दे रहे सन। दूत कहण लगे, यह वड्डा पापी सी अते वड्डे दुख देण दे लायक सी। गुरु नानक देव जी दी जद इस दी चिखा ते नज़र पई तां एक खिण विच पवित्र हो गया, सज़ा तों छुटकारा हो गया है अते सुख दी प्राप्ति हो गई है। जिन्ने भी पाप किते सन हुण एक भी नहीं रहा। पुछण लगे, गुरु नानक कौन है, सानू दसो। दूतां ने सुन के कहा, ओही जिहड़ा तुहाडे पास है, जिसनों तुसी हथियारां नाल मारन आए हो, ओही गुरु नानक देव जी हन। ये सुन के हिरदे विच बड़े हैरान होए, कहण लगे, सानू त्रिकार है। दोवें भज के फिर उत्थे चले गए अते जा के गुरु जी दे चरण कमलां नू फड़ लिया अते बोले, तुसी तां दुखां दा नाश करन वाले हो, सारा वृतांत विखा के अपनी शरदा दित्ती है। श्री गुरु परम प्रवीन ने सानू खोटे काम करनों मोड़िया है। राह विच जो उन्हां नाल बीती सी वह सारी कथा सुनाई अते चारे ठग गुरु जी दे चरणां नाल लिपट गए। साड़ी जीविका बहुत माड़ी है, विचारन तो बगैर असी मनुख की हत्या कर देंदे हाँ। तुसी समर्थ संत सुखदाते हो, सानू अपनी करामात नहीं विखाई, असी बहुत वड्डे अपराध किते हैं, किरपा करके सानू बख्श दिओ, तुसी जगत विच वड्डे परोपकारी साधु होए हो। हे श्री प्रभु जी, मुड़ के पिंड चलो, सारे जोर दे के बेनती करते सन। असी बहुत पापां विच गलतान हाँ, दिन रात हिंसा विच बतीत करते हाँ। जद गुरु जी ने वेख्या कि वह बहुत निमर हो गए हैं तां वह उन्हां दे पिंड वल पिछां हट के चले गए ते पिंड वालियां नूं सारा प्रसंग सुनाया। जिथे सुंदर स्थान बनिया सी उत्थे गुरु जी नूं बिठाया गया। सारे वंदना करके अगे उपहार धर रहे सन अते बार बार उस्तत कर रहे सन। कहण लगे, जिस प्रकार भी साडा भला होवे हे कृपालू जी, उस तरह ही सानू सिख्या दिओ। सारे मनुख कुकर्मा विच लगे हुए हैं,
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਜੀਵਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਲੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗੋ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਓ। ਸੰਤ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਾ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 15ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।